bowling Boy, do we have a surprise for you today! Joining us is the Mohammad Asif, one of the greatest ever Pakistan fast bowlers, and today, Muhammad Mohammad Asif, join us to discuss um, World T Twenty Pakistan cricket chances and some US cricketing scene. Asif, Bhai, First of all, thank you so much for joining me on the pod, brother. Kaise uh, hai? How are you doing? Kya chalo rahechko? Wala, I'm uh, I'm good, brother. I'm feeling good. Uh, the work is going well. The coaching is going well. The league pick is also going So, I'm busy. That's good, man. Chalo, that's good. Busy, yeah. So, here in the US, have you total time so settled, brother? <laughs> hoga, Asif, Bhai, Everything has been good, Alhamdulillah. You're settled here for a little while now. I'm doing pretty I can't We'll uh, uh, तो आपकी अभी क्या सोच रहे हैं कौन सी टॉप टीम्स हैं जो स्टैक करती है अभी इस करंट यू you नो know, जो आप देख रहे हैं लॉर्ड ऑफ डिफरेंट टीम्स टॉप टीम्स है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड मुकाबला होने वाला है तो आपको क्या लगता है कि किस तरह होगा ये वर्ल्ड वो हादसा हादसा हुआ मिल है जो मिल रही है और ग्राउंड की जो कमेसिटी है और ग्राउंड वो खुली जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया हुआ

चीज प्र है वो फ्रेश हो रही है यहाँ पे क्रिकेट लीग वापस नहीं हो रही एक्सी साइड उस पे उसड होती हो है वहाँ पे पीछे वो भी दो बॉल्स तो दो मैं पे आ, लीग में तो हर फ्रेश पिची तैयार हो रही है और जो पुरानी पिची था उनकी मिट्टी आ रही थ्रो ओल्ड होगी वो भी है वो कम होगी और वहाँ पर जुलाई में सीजन भी वहाँ पे गर्म ही होता है वो पता है उस साइड वो टफ कंडीशन है और आप नहीं हो सकते नई कंडीशन है यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होगा डिफिकल्ट होगा क्या लगता है लेकिन ये वेस्ट इंडीज से थोड़ा सिमिलर खेलेगी या फिर यहाँ की बिल्कुल

इन्होंने प्लेयर्स भी लिए हैं वो वाले जो जी टी ट्वेंटी खेले हुए में दो तीन लीग भी आके खेला है कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पे राइट तो मेजर लीग का सीन जो है वो आपको कैसा लगता है वैसे यहां पे आसिफ भाई आई मीन द द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट हियर इन द एस राइट क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट टैप हो रही है ऑब्वियसली क्रिकेट की डन इन लॉन्ग टाइम अब बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं काफी पैसा लग रहा है इस चीज के पीछे सो so, क्या लगता है आपको कैसी ग्रोथ आप इन्विजन कर रहे हैं नेक्स्ट

कथा करना नो डाउट आप देखे लास्ट में आठ अगली वेर गया को बच्चों में स्कूल में क्रिकेट रही है, राइज हो रही है मगर उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो साल दे पड़े देखे चलना पड़ेगा देखिये आप पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड कॉटी सीजन कॉडी क्रिकेट बनी हुई है

These are golden nuggets from, you know, Asif Bhai that he's giving you guys and tips. So maybe you guys could call him and acquire his services, guys, you know, to uh, to come help us out in USA cricket because we know we need it big time. So Asif Bhai, you know, it's been a great, good conversation so far. So World Cup, obviously not mm -hmm. for yeah. team do but who would be the top four semifinalists for this T20 World Cup? you make a prediction.

तो वो फिर इनको नजर आया कि नहीं बात में लोगों ने आपने किया बोला था। तो जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की आप क्रिकेट देखें वो कहाँ से गई चलेगी वो आप टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी तक पहुंच गए हुए हमारा वही एरिया हम फंसे हुआ सेवनटी के अंदर कि हमने ये कर लेंगे और ठीक है हम वन सिक्सटी वन करते हैं मगर हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी होती थी कि हमारी बॉलिंग कर देते हम जिस तरह से बॉलिंग किया लास्ट न्यूजीलैंड कि हाँ। तो कि कि के मैच में चलो जिस तरह से उन्होंने खड़का लगाया बॉलर का मैं तो रहा वो भी उनकी थी। तो वो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है पाकिस्तान को तो आपको देखिए आ रहा इंग्लैंड बहुत अच्छी साइड उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है

वही मैंने पहले भी बात कर रहा था अपने चैनल में कि आपका कोच नहीं आ जाता सडनली वर्ल्ड कप से पहले कप्तान नया आ जाता है कोच नहीं आ जाता है आ जाता। ये चीजें होती है आपको दो डेढ़ दो साल पहले से प्रिपरेशन शुरू करनी होती है तो आपको मोमेंटम बनाना होता है अब बैटिंग लाइनअप हमारे ये बैट्समैन है ये हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है हमारा ये अगर रिलेटेड होता तो है बॉलिंग में तो हमारे पास सडनली अगर वर्ल्ड कप से पहले हो जाता उसके बाद बैकअप ही नहीं है वो तीन चार रेलो कट्टे से है जो जिनको मर्जी डालो जिनको मर्जी खिला तो फर्क नहीं पड़ता खेले जा रहे थे और उनकी पटाई हो रही थी उनको फिर खिलाए जा रहे थे पीछे बैकअप भी था आई डों कोच आएगा लैब और चेयरमैन लाइ बोर्ड है थोड़ा मुश्किल होगा आओ, प्याँ 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 आ, मुझे भी मुश्किल लगता है लेकिन हमारी जब भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता राइट so, सो वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ में भी हो जाए लेकिन आपने जैसे बोला कि हमारी नया कप्तान दोबारा नई मैनेजमेंट दोबारा यू नोर और मे बी अजहर भाई भी picked Up for the series, not sure if he's gonna bring the team to the World World Cup as a as a head coach, right? I think there's uh, rumors going around that there's gonna be a couple other coaches um, that they were talking to. Uh, I think uh, to Jason Gillespie, tha red ball format. Kelly, they were talking to, and there was another uh, coach they were talking to for white ball. I think uh, Justin Langer was the name probably uh, flying around, right? So I'm not sure. Ye is mm -hmm. aage mm -hmm. hoti hai, how can a coach come in? even do its job in such a short time um or ye pakistan ki politics obviously you know mm -hmm. it's a separate topic lekin wahin se sari a drive hoti the hamari pakistan cricket Mr. so how big of an impact does that have you know okay obviously politics uh, but uh, who is the impact? the let's like like that, no, no, that, yeah. that yes. Or देखिए बाकी बोर्ड के कभी आप सुना है यार आपने दो एक 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 महीने पहले कैप्टन और तो कैप्टन उसको टाइम देना चाहिए दिखना चाहिए अगर नहीं कर रहा है तो, नहीं तो आप उसको बैठाते हैं बाकी लड़कियों आप, ना तो करते। आप इतने गेट्स नहीं तो दे दो यंगस्टर को ट्राई करना और फिर हमारे जिस तो तरह से कुछी चेंज होते हैं पता नहीं होता ना कुर्ची थी हर एक नया कोच आएगा नई और उसने वो अपनी स्ट्रैटी बच्चों में लेके आनी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा अब उसके पास जातू की छड़ी तो ऐसे घुमाएगा और बच्चों में वो परफॉर्मेंस आ जाएगी बाकी टीमें कहा से कहा जा रही है और हम हम भी कह रहे हैं कि हमारा हम क्या अभी आपने वर्ड किया था वो सरप्राइज देते ऐसा सरप्राइज भी होने वाला

आपको पता है आसिफ भाई कोचेज जब आते हैं वो मेरिट पे जो जहां से मैं देखता मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा कोचिंग का मेरिट होता है जो आप किसी क्वालिफिकेशन बेस्ट पे या चीजों पे लेकर आते हैं I feel like uh, there's like always a splash kind of a decision that PCB takes, right? You uh, know, you know, Logo ko you know we've seen a lot of coaches in the recent past just come without experience. And I'm actually really happy to see uh, you know Azhar Mahmood because he has good coaching experience to finally come into the setup. Like you know, Hafiz, you know, Muhammad Hafiz was in charge for the series in Australia not really much of a coaching background, uh, but still, you know, made the director. Uh, so what do you think, why do they make these kind of decisions where no they don't have relevant experience to actually do the job, but they still are able to uh, get in those positions? This is what I was talking about earlier, that nothing will happen in the world, nothing will happen in the world. The people who are here, वो अब को तो समझ लें जब वो आ रहा आ, के आ, में आ है तो हम लोग इंग्लैंड में को उसके अपनी टी ट्वेंटी खेलेंगे तो टी ट्वेंटी के अंदर परेशानी होगी और उसने वर्ल्ड कप में भी टीम को परफॉर्म करवाना उसने अपनी बता दी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कोच के लिए भी टीम के लिए डिसीजन तो आप चले वर्ल्ड कप से पहले ही कोचिंग

Mohamed Rizwan, 104. This is the last match. Sam Ayub, you know, aggressive player. I like him at the top of the order. Uh, but right now, guy like Fakhar Zaman, bats at a highest strike rate, is not in the lineup. Uh, we're giving Usman Khan a chance, which is good. I think Irfan is a good, good, good player. They can some of these top players, obviously, Babar and Rizwan, the big ones. I mean, Rizwan for me as a keeper always makes the team. Um, but Azam ka, I mean, Babar Azam, I'm not really sure. His strike rate's always around 120, 130. Right? So यहाँ पे क्या चेंजेस हमें करने चाहिए वी नीड हाई इंपैक्ट प्लेयर्स हम लोग इनके इनका देखेंगे इनके बैकअप प्लेयर्स हैं ये 147 स्ट्राइक रेट 131 स्ट्राइक रेट सो ओपनर्स आर लुकिंग टू गो आफ्टर द बॉलिंग अर्ली अप और हमारा ही डिफरेंट केस ही लगता है आई फील लाइक देखिए अभी लगा है मेरे स्मार्टफोन या व्हाट आर इन द बेसिक क्रिकेट के था मींस इफ वी आर उसको क्या था, था, देखो तो सी इस डोमेस्टिक क्रिकेट का कितने मैच खेल रहे कितने खेल रहे डोमेस्टिक के आप दो चार मैचों की में ले आते हैं तो किस बात का प्रेशर था किस बात की जल्दी आप जो डोमेस्टिक में हमारा लड़का खेल रहा है जो दो दो तीन तीन -ती साल से खेल रहा है उनको चार सीज बुक दे रहे ठीक है लड़का अच्छा प्लेयर है मगर देखिए यह सच्चा स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्डमी का फर्क है ठीक है और तगड़े पास बॉलर होने वो उनसे पी एस एल में दो ही बाकी तीन दो तीन एवरेज भी नहीं जाते आपको मारने के ठीक है उसमें अच्छा वहां पे जो वर्ल्ड कपर्ड हो गया वहां करना मुश्किल है जैसे कि अब न्यूजीलैंड के दो मैचान को मेरा चांस मिलाने मैच तो नहीं देख पाया तू टाइम नहीं तो पता था मगर उसको मेरा ख्याल है कि दो मैच मिला कुछ भी हो पाए चलो हम उसको खिलाया तो फिर उसको पूरा चांस तो देना

This is I mean, discard are players use karke. So it's not a good thing, I guess. So, but like is news in Pakistan cricket. So we're not that surprised with it. But if we look at their bowling line-up scorecard here, Asif Bhai, obviously, Amir didn't play this third. T20, um, you know, Shaheen Afridi went for 11 and over in 3.2 overs. Naseem went for almost 15 and over in three overs. Abrar went for seven, he was good. Uh, Abbas Afridi was included uh, in place of Amir. He went for uh, nine and over. Um, but again, again, our top two bowlers, Shaheen and Naseem, you know, they, hit, they, hit, they, hit, they hit. have a good plenty. And Haris is not there now in the looks as it seems. So, uh, where do you think? Do you think Haris fits into this bowling attack? When oh, Aamir came, Haris and the of Amir Amir is, the two,

it's so a very good thing uh, bilkul. i mean i want to bring up the second score card just uh, you know Amir played and just to give these guys the, the viewers a look into um, you know his stats for that game okay quality is quality when when it's there comparatively or snap even balls just a dottie knuckle balls a slower balls thi, where he got instant success right right away Amir's stats. yeah three overs um, 13 for two

एटी से दे से हमारी जब भी वर्ल्ड में बॉलिंग में जितया जब से टी ट्वेंटी भी है तो जब भी हम लोग वर्ल्ड कप या कुछ भी सीरीज जीते तो वाले बॉलिंग हमेशा तंगली रही है बॉलिंग हमेशा वन एटी या हमारी सिक्सटी वन सेवनटी पाकिस्तान कर लेती थी उसको कर देते थे मगर अब नहीं हो पा रहा न्यूजीलैंड की बी सी टीम भी करनी बोलते तो ये इनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आगे वर्ल्ड कप और मुश्किल हो जाएगा हमें टॉप फोर में आना हाँ बिल्कुल आई थिंक अहमद वसीम भी इनटू द मिक्स आई मीन आई थिंक उसने ही डिडंट प्ले अ गेम येट सो फार सो इस बॉलिंग अटैक में कहां पे फिट होता है आसिफ भाई वो अहमद वसीम इज एन इंपैक्ट प्लेयर एंड एम आई सी पी एल में परफॉर्म आस वो देखिए मैं बॉल भी जब भी वो खेलता रहा है मैं बॉल भी वो सेंट्रल करता रहा और उसका अच्छा नया बॉल अंदर जिफ्ट भी होता है सर्कल में भी उसको यूज कर उसको चुके हो, और भी है। फिर वो बाद में भी आके अपना पुराने बॉल से भी उसने बॉलिंग है जिस तरह से हमारा एक जब दो अमला लेते चल रहे हैं मेरा ख्याल वो उनसे ज्यादा दा बैटिंग में भी वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उसको भी चांस जरूर मिलना चाहिए हम को भी उसको उसका जो भी उसके क्योंकि जो भी उसके दो तीन साल लाए गए उससे वो हम परफॉर्मेंस देनी चाहिए And Abrar Ahmed is in the mix oh. now, right? Because you have Shadab. Shadab hopefully comes into the form, of Abrar and Imad could make for a good, uh, you know, trio of, of spinners on a slower, slower tracks. Because here I think pitches are mostly slower only. Is what's expected, especially in the West Indies. Here maybe drop-in pitches, two-three. You get fast pitches, but mostly slower pitches are expected. It is Shahab. Shahab has a bowling all-rounder. Shahab. Let's make him a batting investment rounder He's been investing fourth, तो फिर तो आपकी पता है जो हमें पांच ओवर आएगा बड़ी मार सके लेता है वो इतना तो बंदा जब टीम के साथ होता है प्रैक्टिस करता हाँ। तो इतना तो पता है तो कर लेता है मगर वही अगर वहां एक बैट्समैन आता मेचोर बैट्समैन आते हम तो पोर्ट की तरफ भी जाते ये अगर चीजें सोचनी पड़ेगी ना आपने उसको गलत नंबर पे मेल बैट्समैन है वो ऑलराउंडर आप उसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना रहे मिडिल ऑर्डर पांचवा जो होता है उसके ऊपर आप पूरी टीम काउंडर को अच्छा, फील्डर अच्छा उसको बैटिंग ऑल ऑर्डर बॉलिंग ऑल ऑर्डर था उसको बैटिंग ऑल ऑर्डर बना रहे तो आप देखिए वहां पर जाके चीजें आप बेसिक जो प्रॉपर आपके पांच बैट्समैन है उनके साथ जाना ही पड़ता है

Number four playing, natural opener, hai, and we have a guy like Babar who can actually play at four, mm -hmm. opening the innings. So it doesn't make sense. These guys are thinking. Seems like these guys are playing for their numbers. Ke liye khel rahe. You know, I don't know how much truth there is in that, but you know, what makes sense to me as a cricket fan and watching cricket fan is having a guy like Fakhar open with uh, a kid like Sam. Right? That gives you a power punch. Deeta, top of the order. Basically, if one of them gets out, it's fine ke baad ek do aur impact players hone chahiye coming in number 3 and 4 we have rizwan coming in at 3 we have babar opening the innings and all of our impact players seem to be you know, coming in the last five overs expected to hit at 300 strike rate aur khud ye log 120 strike rate so pe batting karte hain it's very frustrating from a fan standpoint right two gets goal score had a skeptic of the goal when you people we say numbers ko niche leke a jaate

And guys, if you guys are just joining us, you know, we're having a great conversation with Asif Bhai here. You know, in Pakistan cricket, World Cup coming up, some US cricket stuff. And, you know, before we move on to their next, you know, questions with Asif Bhai, I want to tell you guys that this video is especially brought to you by Janoon Sports brand. And I want to show off their cricket bat right now. This uh, Janoon Sports brand exists out of Brooklyn, New York owned by a couple of my friends so uh, you know really beautiful cricket bat they have amazing high quality gears so definitely check them out give them a look in and again this video um, is sponsored by janoon sports brands uh, is ek review bhi kiya hai, um, that I will link in the description for you guys what review up and I will put in uh, you know the whatsapp contact for Janoon sports brand if anyone is interested in acquiring any gear for the 2024 season so a little shout out to our sponsors there thank you to janoon sports um Asif bhai, let's move on with the conversation man So uh, now, ab hamara obviously um, you know you log yahan pe travel karenge pakistan ki team and uh, not sure you know ki coach kon ga us waqt maybe series ke baad dobara changes the team we lekin hamari sabse best strongest 15 squad of 15 kya nazar aata to team khel rahi isme do, 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 do

वो खिला गया और कम्बिनेशन कैसे बनेगा कैप्टन और कोच को पता ही क्या कि मैंने कौन से पार्ट पार्ट बॉलर लेके जा रहे हैं और कौन से हमें है, ना, उसमें है हम लोग हर दूसरी सीरीज में हर दूसरे मैच में ओपनर्स शफल कर रहे हैं तो वो तो फिर इसका मतलब स्ट्रगल ही कर रहे हैं बाकी टीमों के वही ओपनर है चाहे वो फ्लॉप होते है चाहे वो रंजे करते हैं तो उनको ऑन टी वो इजेंडा हो जाए

we yeah. <laughs> no and then very stubborn and how much is that from the stubbornness of some of these players right because now coach will tell but again it's up to the leader the captain of the team who controls that dressing room to understand this for himself right KR, we need <seeder> some type of a change and i don't know you know from you know what we've seen babar appears our to be a stubborn type of character Right? So, he doesn't which is an okay thing. But, you properly back up if you're T20. Mein you know, he's a great ODI player, great test player, you know. Nothing against Barber and, 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 you know, uh, his fans. And, we're a big fans of Babar as well. But, you know, Bapa, format, it's it's he still a game. You. Yeah. To yeah. To no. to

over the 200 जाए most of the time not at once in the mood most of the time over the mood that जाएगे तो uh, मैच जीतने की पोजीशन में हो बाकी टीमों की ये स्ट्रेटजी वो बन चुकी है वो उसी uh, गेम ऑफ वाओ गेम ऑफ वाइल्ड से खेलते हैं कि हमारा, है। हमारा ये टारगेट होना चाहिए हमारा ये फ्लॉप होगा तो इसका बैकअप ये हमारे पास वो वो बिल्कुल स्ट्रेटजी नहीं है लैग कर रही है और आपने पे भी बोला यू नो कि हमारे जो ये

और आई मीन आर डोंट नो भी रिसेंटली हमने लास्ट पीएसएल में कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं देखा मीन वी सॉ यू डिसेंट प्लेयर्स पॉप ऑफ लेकिन स्टिल सीम्स टू टैलेंट सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग इट सीम्स आर डोंट नो इफ दैट हैज सम ट्रूथ टू इट अस भाई या फिर इज जस्ट अ मिथ यू नो यार दे कैन एक साल में हमारा वन डे क्लास टैलेंट आऊंगा हां कौन बोलो है मुझे yeah. पता नहीं किस है कि इसने अपना पूरा साउथ स्ट्रक्चर बनवाया है हम इस ग्रुप के सबके किसके साथ देख ले

तो इस तरह से टीमें बनती है बिल्डअप करते हैं उन्होंने बैकअप भी रखा हुआ लड़कों को तैयार किया हुआ ये हमारा मेन गोल है ये हमारा वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करते बहुत पीछे हमारी क्रिकेट जान लिया हमारे लड़के को इतनी चौदह पंद्रह सोलह मैचेस में ताकि वो लंबी बॉलिंग करे

ठीक तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली बंदा एक टी ट्वेंटी खेल के अचानक से पाकिस्तान टीम में आ जाएगा एक PSL के मैच की परफॉर्मेंस के बेस पे आ जाएगा कम्पेयर टू समबडी हो मे बी दस पंद्रह सालों से यू you नो know, लगा हुआ है जद्दोजहद में अपनी मेहनत में यू you नो know, तो वो मुझे समझ नहीं आती समटाइम्स कि आपने जब सर्टन प्लेयर्स एक चैनल अगर बना हुआ है कि यार वो प्रमोट कर सकते हैं सर्टन प्लेयर्स को हाई परफॉर्मर्स को यहाँ पे बेस बॉल की मैं एग्जाम्पल दूंगा

Yes. वो जो स्लून है। है? स्टडी है वो भी खेलते थे यार टाइम ही नहीं मिलता था चार दिन पाँच दिन हाँ. चार दिन का मैच खेला फिर वर्नडे हो गया तो आप देखिए पांच दिन आपने ड्रोन में रहना अब यह हमारा लड़का तो

A uh, great conversation with Asif Bhai on the world cup pakistan cricket in particular um, i just want to ask him a couple more questions you know if you guys have any you know things drop it in the comments for us and um, you know Bhai i want to talk a little bit about um, you know obviously you've been living here in the us scene and and you know your coaching in particular because i think that's you know really valuable to uh, the people living here the kids especially living here right and you're coaching your you know yourself so

फास्ट बॉलर फिर आप कैसे प्रोड्यूस करोगे तो आप। आपकी बेस ही नहीं बनेगी बेस पे ही आपकी क्रिकेट ये यहाँ पे बहुत कम्पलीट नहीं है हाँ, वो के दोस तो चलो आप आउटडोर्स मैट खेलते हो वहाँ पे प्रॉपर पिचेज है ग्राउंड अच्छी है वहां यहाँ पे हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम वोट क्रिकेट हो

ये भाई वो गैजेट्स पर पॉपुलर ऐप न्यूट्रेटिव यूज़िंग बाय वो गैजेट्स वो लिटिज है पोजीशन वेक्टर ऑन इंटीरियर विस्ट पोजीशन वेक्टर ऑन इंटीरियर उसके बाद तेरा ये आर्ट का फौन छु फौन छु फौन छु आप प्रोग्राम द बॉडी की हिंस के बाद फॉलो टू फॉलो टू आप कंप्लीटली करते दबा आप सीइंग नहीं करते बिल्कुल वो एक स्टेप रिलेटेड वाइब पर रुक जाते हो आगे से पता नहीं जलवायु से रिलेटेड

up for hopefully thank you so much awesome thank you so much asif for joining us on this podcast man it was a wonderful conversation uh, you know thank you again for everything and all the amazing golden nuggets guys you know and again i'll be posting some of the links for asif channel as well so you know make sure you guys go there give him a like and a subscribe and we'll be posting some content there as well on Asibai's channel in the near future. So, you know, uh, make sure to guys make sure to follow us there. And uh Asif Bhai, thank you so much again, brother, for thank joining you. me. Uh, the, and uh, we'll do it do again stuff. next time, inshallah. Welcome, brother. Absolutely, thank you, Asif Bhai, Much All appreciated, right. sir. Thank you, brother. No, Have no, a good no. day, man. Okay, thank you. Have a good day, man. And thank you guys for watching. And make sure to smash that like button and subscribe to the channel.